मेरे होम डेकोर में इस बार मम्मी मेरे को ऐसा फेंकने वाली है ना घर से। आपको अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? उसने 70 का ही लगाया था, बोला उसने। Hello Wings Wings with me, so those who are new, hi, my name is Anshika and welcome to another episode of Wings Wali Diwali. So, आज का वीडियो होने वाला है a haul video, but जो मैंने सामान लिया है दिवाली के लिए from लाजपत नगर and सरोजनी मार्केट. So, मैं बंजारा गई थी, पहले गई थी, but मैंने वहाँ से like दिवाली के लिए as such कुछ purchase नहीं करा था. So, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो मैंने दिवाली के लिए shopping करी है, भर भर के shopping करी है. लाजपत में तो मतलब मैंने हरिवार कर दी थी. लाजपत ब्लॉग मेरे ऑलरेडी सेकंड चैनल पे भी अपलोडेड होगा. अगर आपको उसका बिहाइंड द सीन देखना है, लाइक इस वीडियो का बिहाइंड द सीन देखना है, तो आपको मेरा ब्लॉग चैनल विजिट करना पड़ेगा. उसकी लिंक अभी आपको आई बटन पे मिल जाएगी, सो गो एंड चेक दैट आउट. बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं आज के हॉल के लिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई आउटफिट एंड ज्वेलरी, सो आई थिंक ये पूरी ज्वेलरी जो आज मैंने कैरी करी है ये मुझे भी याद नहीं है, बिकॉज ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट करा था बहुत पहले बर्थडे पे. एंड दिस कुर्ता इज फ्रॉम अमेजोन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ऑल्सो दिस रिंग इज फ्रॉम वन इंस्टाग्राम स्टोर, एंड दीज टू ब्रेसलेट्स आर फ्रॉम अमेजोन, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड या विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से, बिकॉज बैकग्राउंड में आपको जितनी चीजें दिख रही है आधी से ज्यादा लाजपत से है. एंड सिर्फ आई गेस दो चीजें जो मुझे दिख रही है वो बंजारा से है, एंड कुछ चीजें सरोजनी से है प्लस अमेजोन से है. सो यह कंप्लीट पैकेज है. सो वी विल स्टार्ट विद दिस फ्लावर पॉट जो आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं. सो ये जो फ्लावर पॉट है ये हम लेकर आए थे लाजपत से. लाजपत में बहुत पहले गई थी तब मैं ये फ्लावर पॉट लेकर आई थी, एंड ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. इसके साथ मुझे दो से तीन फ्लावर पॉट और अच्छे लगे थे. मेन जो सेंट्रल मार्केट है ना वहां पे आगे जाके, लाइक आपको सेंट्रल मार्केट में मे भी थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, बट सेंट्रल मार्केट से थोड़ा और आगे जाके एक फ्लावर की दुकान मिलेगी. मेरे पास अगर क्लिप होगी ना तो मैं डेफिनेटली अटैच करूंगी. वहां से मैं ये वाला पॉट लेकर आई थी, एंड ये मुझे मिला था 600 रुपीज का पूरा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे का मिलाओ, पहले वो बोल रहे थे नीचे का 600 और ऊपर का अलग प्राइस, बट हमने फिर बात बात करी तो उन्होंने 600 में ही पूरा दे दिया था. बेस्ट थिंग मैं अगर आपको बताऊं ना तो आप मार्केट हमेशा इवनिंग में जाना, बिकॉज इवनिंग में क्या उनका टाइम भी रहता है घर जाने का और हमारा टाइम भी रहता है घर जाने का. सो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा बार्गेन कर सकते हो. हम क्या करते हैं, हम हमेशा क्लासेस और मीटिंग्स के बाद जाते हैं मार्केट, तो उस ड्यूरेशन में वो बोलते हैं दीदी घर जाने का टाइम हो रहा है प्लीज मत करो मत करो, तो आप बार्गेन आराम से कर सकते हो उस ड्यूरेशन में. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको हमेशा इवनिंग में मार्केट जाना चाहिए. तो ये मैं लाई थी 600 का, ये पूरा जो बंच आप देख रहे हैं. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये जो आपको फूलों की माला दिख रही है येलो कलर की, ऑरेंज येलो कलर की, तो ये पूरे मैं लेकर आई हूँ सरोजनी से. ये मैं 10 पीसेस लाई थी, लाइक 10 पीसेस लाई थी मैं 400 रुपीज के, आपको 5 मीटर लेंथ मिलती है. एंड मैंने इस तरीके ये डेकोर करा है. इसका जो डेकोरेशन का बिहाइंड द सीन्स है ना वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो भी मैंने रिकॉर्ड करा है. इसके अलावा यहाँ पे आपको लाइट्स दिख रही होंगी, जो राउंड लाइट्स वो आई गेस चांदनी चौक से है. चांदनी चौक से शिवांगी मैं बहुत पहले लेकर आई थी, तो उसका मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं है. कमिंग टू दिस साइड, वो जो आप बेल वाला लटकन देख रहे हैं उसका आई गेस मेरे पास एक पास में भी है. सो ये रहा, बिकॉज मैं इस साइड लगाने वाली थी फिर मैंने नहीं लगाया. सो ये मैं स्पेसिफिकली दिवाली के लिए ही लेकर आई हूँ. मैं ये घर लेकर जाऊंगी, घर में लगाऊंगी. इसके नीचे ये घंटी टाइप की बनी हुई है, बहुत ही प्यारा लगा था मुझे. एंड उसने ये बोला था 150 या 170 का पेयर, लाइक आपको दो मिल जाएंगे, बट फिर हमने बात वगैरह करी. ऑफकोर्स हम जो प्राइस आपको वो बोलेंगे उसी प्राइस पे, ऑफकोर्स ही बात है आपको नहीं लेना है. सो बार्गेन करने के बाद आई गेस ये हमें 120 पेयर मिला था. एंड ये वाला मुझे बाद में रियलाइज हुआ 120 भी महंगा था, बिकॉज सरोजनी में जब मैं गई थी वहां पे बार्गेनिंग के बाद मुझे 70 का पेयर मिल रहा था. सो आई गेस तब भी मुझे, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सरोजनी में क्या था ना कि कॉमन मिल रहा था, सब कुछ सेम मिल रहा था, बट ये वाला मुझे अच्छा लगा था लाजपत में, तो मैंने ये 120 का पेयर लिया था. इसके अलावा मैं होम डेकोरेशन में एक और पेयर लेके आई थी, जो ये राउंड राउंड टाइप के, ये आपको सरोजनी में भी मिल जाएंगे लाजपत में भी मिल जाएंगे. तो ये इस टाइप का, ये चक्र टाइप का है, एंड इसमें दो है, लाइक दोनों ही सेम साइज का. इसमें आई गेस बड़ा वाला भी है और छोटा वाला भी, लाइक छोटे छोटे सर्कल टाइप के अटैच है. सो ये इस टाइप का आएगा, एंड ये भी मैंने 120 का पेयर लिया था. सेम है, कलर वाइज सेम है. नीचे आपको ये बेल मिलती है, मतलब ये घंटी बड़ी प्यारी लगी है. और वहां पे आपको घंटियां भी थी, लाइक आपको बड़ी साइज में छोटे साइज में अलग अलग घंटियां भी थी वहां पे. सो ये दो मैं लेके आई थी 120 पेयर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था.
कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम जो मैं लाजपत से लेकर आई हूँ आर दिस क्यूट कैंडल। यहाँ पे ऊपर ये पॉट टाइप का भी दिया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन बताना इसको क्या बोलते हैं। इसके अंदर ये दिया ऑलरेडी है पहले से एंड इसको सिर्फ आपको यहाँ से ऑन करना है तो ये जल जाएगा। ये बहुत प्यारा लगा था मुझे, मतलब मैं अपने होम डेकोर में जब मैं अभी घर जा रही हूँ तो मुझे होम डेकोर के लिए मेरा जो टीवी वाला एरिया है ना मुझे उसमें रखने के लिए आइटम्स चाहिए था तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए आइटम्स ले रही थी। लाइक अगर मैं इस साइड ले रही हूँ तो मुझे इस साइड भी चाहिए तो मैंने ये दो लिए एंड इसका बल्ब पता बहुत तेज जल जाता। ये मुझे मिला था 100 each आई गेस, यस ये 100 each था। तो या दीज टू आर लाइक वेरी प्रिटी, ये मुझे 100 each मिला था बट ये वर्थेड है 100 each। एंड जब लाइट बंद होगी ना तब तो इसकी रोशनी और ज्यादा लगती है तो मैं दिवाली के दिन इसे पक्का सेट करूंगी और फोटोज भी शेयर करूंगी। और इसमें ये बात अच्छी है कि आपको नीचे इसके सिर्फ सेल चेंज करने पड़ेंगे इन केस अगर आपके सेल डाउन हो जाते, बिकॉज मैं कैंडल्स लेके आई थी जिसमें से मैंने इतना यूज कर लिया उस कैंडल को तो उसके सेल डाउन हो गए हैं और मुझे सेल भी मैं लेकर आई थी, सेल मुझे उसी शॉप पे मिल गया था बट आप कहीं और भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेल कहीं और मिल जाता है तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। दीज आर लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपको सिर्फ एक बार लेना है और वो हमेशा आप यूज कर सकते हैं अपने होम डेकोर में। मैं बल्ब की बात करूं तो वही वाली शॉप से, ये वाली जो शॉप है ना आपको सेंट्रल मार्केट के थोड़ा आगे जाके एक गली में अंदर फ्लावर की शॉप है, उसके बाद एक और अंदर गली है वहां पे सिर्फ कैंडल्स मतलब ये सारी चीजें रखी थी। मैं उसका भी क्लिप अटैच कर दूंगी मुझे मिल जाएगी तो, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पसंद आई थी। ये लैंप भी वहीं से थे, लैंप नहीं मतलब जो जो कैंडल टाइप का था, उसके बाद मैं कैंडल्स भी वहां से लेकर आई थी। तो ये जो मिनी कैंडल्स है ना ये मैं वहां से लेकर आई थी एंड इसको भी सिर्फ आपको नीचे से पता ऐसी ऑलरेडी बटन है आपको सिर्फ इसे जला देना है तो ये आपकी कैंडल जो है वो जल गई है। यू कैन सी हाउ प्रिटी दीज आर लुकिंग एंड इस टाइप की मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं 6 कैंडल्स लेकर आई हूँ बिकॉज इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी लैंप लिया है जिसके लिए मुझे ये 3 कैंडल चाहिए थी एंड अगर हम तीनों को जलाए ना तो बहुत तेज जलते हैं प्लस बहुत टाइम तक है, क्योंकि मैं एक कैंडल, अगर आपने देखा होगा मेरे बैकग्राउंड में एक कैंडल रखी रहती है वो मैंने लाजपत से ही ली थी क्योंकि मैं उसे डेली 2 से 3 घंटे चलाती हूँ और वो डेली चलती है तो वो 2 महीने तो आराम से चली है मेरी एंड उसके अकॉर्डिंग मैं कहूंगी ये 2 महीने अगर चल भी रही है तो क्या ही दिक्कत है। मुझे दिवाली और ऐसे ओकेजनली यूज करना है, मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे भी यूज नहीं करने के लिए बोल रही हूँ। सो या दीज आर लाइक गुड इन्वेस्टमेंट जो आपको मिलेगा। ये मुझे पर कैंडल मिली थी 25 रुपीज की, 25 उसने तब गई थी जब मैंने ज्यादा ली थी। अगर आप एक या दो बस लेंगे तो मे बी शायद आपको 30 की मिलेगी और अभी सीजन चल रहा है तो 30 से नीचे ना करें, क्योंकि मैं थोड़े पहले गई थी मार्केट तो उसने मुझे 25 के अप्रॉक्स में लगा दी थी और मैं सेल वगैरह भी वहीं से लेकर आई थी उसी शॉप से। सी मैं ये भी लेके आई थी, इस टाइप की कैंडल है आप पास से देखेंगे तो ये इतना प्यारा लाइक यहाँ पे ये मेल्टिंग डिजाइन तक बना के दिया है उन लोगों ने एंड इसमें अलग अलग साइजेस भी है। लाइक ये सबसे छोटी साइज है, इसका एक मिड साइज आता है प्लस एक बड़ा भी आता है तो ये आई गेस मिडिल साइज है और इससे बड़ा भी, उसका भी क्लिप मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। इसका सेल जो है वो डाउन हो गया बिकॉज इसे मैंने बहुत यूज करा है तो इसका सेल मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे बहुत प्यारे लगे कि आप दिवाली पे इन्हें अपने घर में अलग अलग जगह रख सकते हैं क्योंकि दिया का क्या है वो कभी बुझ भी जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, बट दीज आर लाइक ये उस दिन तो आप जला के रख ही देना तो उस दिन का कोई इशू होगा नहीं। तो या ये मैं वहां से लेकर आई, इसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकली ना उस शॉप से तो मुझे एक फ्लावर शॉप मिली, मतलब फ्लावर शॉप और उसके बाजू में एक मेटल के वो मिल रहे थे पॉट्स वगैरह प्लस मेटल के लैंप वगैरह मिल रहे थे तो मैं ये वाला एक लैंप लेकर आई थी एंड ये मैंने लिया है, ये मैंने लिया था 300 रुपीज का विच इज लाइक वेरी अफोर्डेबल। पहले उसने बोला था 650 बट बात करते करते 300 में वो मान गया था एंड मैंने पता ये कैंडल भी इसलिए लिए बेटा जो शो यू एंड अब मैंने जो सोचा है ना तो वो मैं इसके अंदर ये कैंडल्स रख दूंगी तो वो पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा जैसे अंदर दिए ही जल रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा है कि इसे घर के बाहर होल्ड करने के लिए। सी ये कितना प्रिटी लग रहा है, मतलब आप अपने घर की किसी भी डायरेक्शन में से यूज कर सकते हैं, मेन हॉल में या फिर अगर जहां पूजा है तो भी आप रख सकते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि अंदर पता दिए जल रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि अंदर मतलब ऐसे आर्टिफिशियल कैंडल रखी हुई है। सो ये सोच के मैंने इसे लिया, ये था सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज का और क्वालिटी वगैरह भी देखे ना तो मेटल की बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा लो क्वालिटी है, मुझे पर्टिकुलरली ये अच्छा लगा था। और इसमें सेम एक शिवांगी मैम ने लिया था वो पीछे रखा है, ये वाला लैंप है, मैं ये भी उठा के दिखा देती हूँ कि किस टाइप का है। नीचे मैंने कैंडल रखी है, सेम प्रोसीजर है, आप अंदर कैंडल रख दो पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कैंडल जल रही है। सो
ये उन्होंने लिया था, इसका प्राइस मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसके अंदर जब आप बल्ब रखेंगे ना तो वो रेड कलर की मतलब उसमें लाइट आएगी, तो वो बहुत अच्छा लगा था बिकॉज रिफ्लेक्शन इसका रेड होगा अंदर से। मैं एक बार एक कैंडल इसमें रख के बताती हूँ कि किस टाइप का आएगा, बिकॉज वो कैंडल तो मैंने वहां सेट कर दी है। सो वेट, यहाँ पे नीचे होल्ड है मतलब यहाँ पे रखने का, तो ये इस टाइप का आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर हमने दिया जला के रखा है। ये दोनों हमने एक ही शॉप से लिए और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ज्यादा बड़े भी नहीं और ज्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज में है और बिल्कुल अफोर्डेबल रेंज में है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन, अगर हम सरोजनी साइड आए, सरोजनी में अभी रिसेंटली गई थी एंड वहां पे मैं बेसिकली गई थी डेकोर आइटम्स में हिमाला लेने के लिए, बिकॉज मुझे इसी के लिए चाहिए था लाइक विंग्स वाली दिवाली का बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो मैंने देखा कि ये तो मुझे मिल नहीं रहे थे, ये बिल्कुल एंड में मिले थे मुझे, और सिर्फ एक दुकान है सरोजनी में जो बहुत पीछे है, फ्लावर शॉप है, वहां पे मुझे ये मिल गए थे एंड उसके अलावा पूरे सरोजनी में मुझे ये नहीं मिले थे। मे बी शायद बाद में आए बट अभी तो वहां पे नहीं थे। उसके बाद मुझे ये दो सर्कल मिल गए थे अगेन एंड ये मुझे मिले थे 70। तो ये आप देखेंगे तो ये सिर्फ छोटे वाले हैं, इवन वहां पे बड़े वाले का जो मैंने पहले दिखाया ना वो भी 70 तक रेंज में दे रहे थे वो लोग। मतलब वो आपको बोलेंगे 150 और 190 के अप्रोक्स में, बट आपको बात करते करते 70 और 80 के अप्रोक्स में लग जाएंगे। तो ये भी मुझे 70 के रेंज में लग गए थे ये दोनों। इसके अलावा मैं एक लेके आई थी तोरण वहां से, क्योंकि मुझे तोरण चाहिए था, तोरण मैंने अभी तक घर के लिए एक भी नहीं लिया था, तोरण भी उसने 70 का ही लगाया, बट हाँ हम बात करते करते 70 में ही लेकर आएंगे। सो दिस इज द तोरण जो मैंने वहां से लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब आप इस तरीके से देखेंगे ना तो रेड और बीच में ओम टाइप का बना हुआ है। सो सी पर्पल गोल्डन रेड और ये ओम है। सो मैं इसको दिखा दूं, और इसकी घंटी भी बहुत ही सॉलिड है, मतलब बहुत तेज बज रही है। सो ये इसका डिजाइन है। सो ये इस तोरण का डिजाइन है, यहाँ पे ये रेड कलर की घंटी है, रेड कलर का वर्क है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक और तोरण मुझे पसंद आया था, उसमें वो पत्ते लगे हुए थे, बिकॉज मेरे घर में शायद मे बी पत्ता वाला ज्यादा अच्छा लगे मेरे मम्मी पापा को, तो मैंने वो पत्ता वाला पूछा था, बट उसके पास फोन पे नहीं हो रहा था और मैं कैश भी नहीं रखी, तो मैंने कहा ठीक है अब रहने तो, शायद वो किस्मत में नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग जो मैं सरोजनी से ही लेके आई, थोड़ा अगर हम मेरे लिए बात कर लें तो मैं अपने लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं बेसिकली अपने लिए इस बार कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए एक फुटवेयर बस लेकर आई हूँ और एक टॉप लेकर आई थी। मैं फुटवेयर मैंने सरोजनी से लिया ये 200 के, जिस दिन मैं गई थी वो था मंडे। मंडे को बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है मार्केट, अगर आप सैटरडे संडे जाएंगे ना तो वीकेंड्स पे थोड़ा मैं प्राइसेस में डिफरेंस दिखने लगता है, सैटरडे संडे को थोड़ा कॉस्टली रहता है एज कम्पेयर टू मंडे। मंडे बहुत ही अफोर्डेबल रहता है और मंडे को मैं गई थी शाम के टाइम पे, शाम के टाइम पे आप आराम से बार्गेन भी कर सकते हो उनसे। तो जो फुटवेयर मुझे पसंद आए थे वो थे जूती वाले, एंड जूती वाले मैंने लाजपत में देखे थे, बट लाजपत में जो उनका प्राइस था ना वो था 500 से लाइक 400 से, हाँ 400 से लेके 600 तक इस प्राइस रेंज में मिल रहे थे। एंड जो जूती थी ना वो बहुत ही सुंदर मिल रही थी, वो पीछे से कवर्ड थी, जो मैंने जैना को दिए, मे बी शायद अगर वीडियो आ गई होगी तो आपने देख लिया होगा, जो मैंने जैना को दिया ना वो प्राइस रेंज में थे 400-600 के बीच में, बट मैंने जो जूती 200 की देखी ना वो इतनी सही दिख रही थी सरोजनी में, वो पीछे से कवर्ड नहीं थी, वो पीछे से खुली थी, बट वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। सो ये है जूती जो मैं लेकर आई हूँ 200 रुपीज की, एंड इसका आप काम देखेंगे ना तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने ये कॉफी शेड लिया, इसमें आपको पेस्टल शेड्स मिल, मतलब मुझे इसमें शेड्स मिल रहे थे पिंक, ब्लू, व्हाइट, और व्हाइट नहीं था शायद, व्हाइट मेरी साइज में नहीं था, और ये कॉफी, तो पिंक ब्लू लेने के मैं मूड में थी नहीं, मुझे ये कॉफी कलर की जूती बड़ी प्यारी लग रही, इतना सुंदर काम है आप पास से देखेंगे, और बिल्कुल फिटिंग का है मेरे लिए, तो मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है इससे। मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि मैं अब बिल्कुल एथनिक वेयर पहन लूं और मैं कहीं तो चली जाऊं, बिकॉज मैंने जब इसे पहन के देखा ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड इसमें आपको कवर्ड में थे वो आई गेस 330 की रेंज में थे जहां तक मुझे याद है, हाँ पीछे से जो ओपन वाले थे ना वो 200 के ही थे, तो आप चेक करना। अब जो मैं बोल रही थी ना मैंने एक टॉप लिया है, तो मैंने एक टॉप जो ये लिया है ना ये मैंने लिया था लाजपत से, ये बेसिकली टॉप मैंने लिया था नवरात्रि के टाइम, क्योंकि मुझे नवरात्रि के टाइम पे कंटेंट बनाना था, उस टाइम पे मुझे वैसे कपड़े चाहिए थे वो प्रिंटेड वाले, मतलब जो चुनरिया प्रिंट आता है और जो नवरात्रि में जैसा प्रिंट चलता है, तो मुझे लाजपत में एक टॉप दिखा था बहुत ही सुंदर सा, तब मैंने इसे परचेज करा था, और ये सरोजनी में भी मैंने इसे वापस देखा, तो मैंने ही लिया था 250 का सरोजनी में, कहीं कहीं ये 200 का था, कहीं कहीं ये 250 का था। सो या आप इसे चेक करना, ये था रेड कलर का। वैसे मैं इसे स्कर्ट के साथ अभी भी लाइक दिवाली पे भी कैरी कर सकती हूँ, इतना सुंदर है। द बेस्ट थिंग इज इसमें आपको पफ लगे मिलते हैं यार, इससे ज्यादा अच्छी और कौन, मुझे पता सिर्फ यही बात इसकी सबसे अच्छी लगी थी कि इसमें आपको पफ मिलते हैं,
एंड पीछे से ये इलास्टिक पैटर्न में है, सो फिटिंग का तो कोई इशू जाने वाला नहीं है। इसे मैं स्कर्ट और प्लाजो के साथ कैरी करने वाली हूँ विद सम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और मुझे पता है ये कितना सही बोहो लुक देने वाला है। मुझे ये टॉप का प्रिंट वगैरह बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें कलर शेड्स अवेलेबल थे ब्लू येलो ग्रीन, बट मैंने सोचा रेड एक ऐसा कलर है जो एवरग्रीन कलर है, एथनिक वेयर में रेड बहुत प्यारा लगेगा, सो इसलिए फिर मैंने ये वाला टॉप लिया था। एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि ये कैसा लग रहा है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, जो मैंने आपको बताया कि हमने जहाँ से लैंप लिए थे उसके जस्ट बाजू में एक फ्लावर शॉप थी, उसका शायद मुझे नंबर भी याद होगा तो मैं लगा दूंगी, बट मेरे पास क्लिप डेफिनेटली है उसकी तो मैं अटैच कर दूंगी। वहां पे इतने सारे फ्लावर्स थे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मैंने वहां जाके इतने सारे फ्लावर्स लिए ना, मतलब मैंने एक फ्लावर पॉट पूरा लिया है बिकॉज मेरे पास मेटालिक प्लांटर्स रखे थे जो अमेजोन से मैंने मंगवाए थे, तो उसके लिए मैंने लिया है एक पूरा पॉट लिया है। उसके बाद मैंने फ्लावर लिए हैं, बंच लिए हैं फ्लावर्स के, तो ये वाला तो शिवांगी मैम ने लिया है रोजेस का, छोटे रोजेस वाला। इसमें मतलब दो स्टिक्स हैं एंड आई गेस ये 150 ईच थी स्टिक जहां तक मुझे याद है। सो या इसमें आपको व्हाइट और क्रीम कलर के मिल जाएंगे, ये आप पॉट के ऊपर रखेंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा। पॉट से याद आया, जो ये वाला पॉट है मैं उठाई देती हूँ, ये वाला जो पॉट है ना इसके नीचे वाला ये हमने बंजारा से लिया था आई गेस 250 समथिंग का, एंड ऊपर की जो स्टिक्स है ना ये मैंने राजपथ से ली थी। ये मैंने स्टिक ली थी आई गेस 25 ईच की, हाँ ये मैंने स्टिक ली थी 25 ईच की, तो ये पॉट वहां से पूरा मतलब बन ही गया है। तो ये बंजारा राजपथ जो अब भी याद आया ना बैकग्राउंड में, मतलब ये छूट गया है, तो ये वाला हमने लिया था 150 ईच स्टिक। तो मुझे रोजेस बहुत टाइम से चाहिए भी थे, मैं ढूंढ रही थी रेड रोजेस, बट रेड रोजेस वहां पे कॉस्टली मिल रहे थे इसलिए मैं नहीं लिया, तो मैंने लिए थे व्हाइट रोजेस, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट वन इज अ फ्लावर पॉट जो उसी शॉप से है, सो दिस इज अ फ्लावर पॉट, पूरा मतलब पॉट के साथ ही है ये, तो ये आई गेस 150 से 300 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट प्राइस बिल्कुल याद नहीं, बस ये लिया था शिवांगी मैम ने, ये उन्हें अपने घर के लिए लिया है, लाइक उनका जो वॉल है ना वो ब्राउन कलर का है, तो उसको सेटल करने के लिए ये उन्हें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लिए हैं, एंड इसका पॉट भी इन्हें साथ में ही मिला है, सो इस टाइप का ये छोटा सा मिनी पॉट मिला है, एंड वो ये होम डेकोर के लिए ही लेके जा रही है। तो मैंने इस टाइप का अभी तो कुछ नहीं है, बट मैंने मिनी प्लांटर्स लिए हैं, लाइक मैंने भी मिनी पॉट्स लिए हैं घर के लिए, विट आई जस्ट शो यू। ये प्लांटर्स मैंने अपने घर के लिए लिए हैं, मतलब मेरे होम डेकोर में, इस बार मम्मी मेरे को ऐसे फेंकने वाली है ना घर से, क्योंकि मेरी मम्मी को होम डेकोर उतना पसंद नहीं है जितना मुझे पसंद है। तो मैंने ये दो गोल्डन फ्लावर्स वाला लिया है, लाइक गोल्डन पत्तियां हैं इसमें, एंड इस टाइप की है ये, तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने ये बेसिकली जो मैंने बताया ना कि मेरा जो डिस्प्ले है उसके लिए, मतलब एक इस साइड तो एक इस साइड, मैंने हर चीज दो दो इसलिए ली है, तो इस साइड एक आएगा तो इस साइड एक आएगा, एंड मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। ये मुझे 50 ईच पड़ी थी, उनने बोला था 70, बट बात करने के बाद हमें ये 50 में मिल गई थी, बहुत ही यूनिक लग रही थी। मतलब मैं आपको प्लांट्स बताती हूँ जो मैंने लिए थे, ये मैंने लिए थे 100 के 4, ये लाजपत से लिए थे, ये जो मिनी प्लांटर्स आते हैं ये हमारे यहाँ सागर में ये 100 के 2 मिलते हैं इसी साइज में, और यहाँ पे मुझे 100 के 4 मिल गए थे, सो मैंने तीन तीन लिए, लाइक एक साइड पे ऐसा दो और एक और, मतलब मैं आपको दिखाई देती हूँ अब। सो ये मैंने सोचा था कि दो ऐसा ग्रीन और एक येलो इस टाइप का कॉम्बिनेशन मैं एक साइड रख दूंगी और सेम कॉम्बिनेशन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने ये तीन प्लांटर्स लिए हैं एक साइड के लिए और तीन प्लांटर्स लिए हैं दूसरी साइड के लिए, समझ गए ना मैं किस टाइप का बोल रही हूँ। तो ये वैसे ही मैंने लिया है, आई गेस मैंने प्लांटर्स तो कवर कर दिए हैं, एक मैंने जो रोज लिया व्हाइट कलर का वो और मैं दिखाती हूँ। जो व्हाइट रोजेस मैं वहां से लेकर आई हूँ वो इतने सुंदर है, एक तो उनकी साइजेस बहुत बड़ी है, पहले मैंने छोटे वाले आपको बता दिए ना, ये थे 150 का, मतलब एक स्टेक है 150 की, तो इनका साइजेस वगैरह आप देख लो इतना साइज आता है, ठीक है। अब मैंने जो लिए है वो है 250 का, उसने बोला था 350, बट ऑफकोर्स आपको थोड़ा बात करना पड़ेगा, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी तभी वो थोड़ा लेस होगा, सो मैंने ये लिया था 250 में, एंड दीज आर द रोजेस, मतलब ये एग्जैक्ट व्हाइट रोजेस है जो मुझे पेड़ में देखती हूँ मैं जिनको, एंड इसमें कलर्स नहीं थे, अदरवाइज अगर मुझे कलर मिलते ना तो फिर मैं डेफिनेटली लेकर आती, एंड ये आपको एक स्टिक ही मैं लेकर आई हूँ, बट ये एक स्टिक में भी सफिशियंट है, लाइक आराम से मुझे 7 से 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे यहाँ पे 8 फ्लावर्स मिलते हैं, एंड 8 के हिसाब से तो फिर ये बहुत ही ज्यादा सही है। मैंने इसे बाहर वाले पॉट में रखा है और ये बहुत सुंदर दिखता है। मैं यूजली अभी इसे अपनी स्टोरीज वगैरह में यूज कर लेती हूँ, लाइक बैकग्राउंड में अगर रखने के लिए मुझे कुछ फ्लावर्स वगैरह चाहिए होते हैं, पहले मैं दूसरा यूज करती थी, बट अभी रिसेंटली जब से मैं ये लेकर आई हूँ तब से मैं इसे यूज कर रही हूँ। मुझे इसमें पिंक पर्पल रेड ये सारे कलर्स भी चाहिए है, तो मे बी शायद जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तब मैं लेकर आऊंगी। मैं उनका कार्ड लेकर आई हूँ जो मैं ऑब्वियसली दोबारा जाऊंगी तो यूज करूंगी, और एक मैं प्लांट लेकर आई हूँ वो बाहर रखा है, तो फिर अब मैं लेकर आऊँ क्या।
बेटा मैं लेकर ही आती हूँ। तो ये है वो प्लांटर जो मैं लेकर आई थी, मतलब ये वाला मैं लेकर आई थी सिर्फ 150 का। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये मैं लेकर आई थी 150 का, और ये वाले प्लांटर्स मेरे अमेजोन से हैं। तो मैंने जब इसे सेट करा ना, तो ये बहुत अच्छे से इसमें सेट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी ना, सी आपको अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, तो ये मैं लेकर आई थी 150। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना, तो मैं इसका छोटा वाला प्लांटर और बड़ा वाला, मैंने ऐसे तीन प्लांटर्स लिए थे अमेजोन से, बड़ा, मीडियम और सबसे स्मॉल। तो मीडियम में ये फिट आ गया है। सबसे स्मॉल और जो बड़ा वाला है ना, उसके लिए मुझे अलग से परचेज करना है, तो उसका मैं अब डेफिनेटली लूंगी नेक्स्ट टाइम। बट ये बेस्ट है 150 के अकॉर्डिंग, बिकॉज 150 में ओरिजिनल भी मिलता है, जो मेरा उतना नहीं चल पाया। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, तो फिर आपको फेक प्लांट्स ही लेने चाहिए। और लाजपत में ज्यादा बेटर मिलेंगे एज कम्पेयर टू सरोजनी, बिकॉज सरोजनी में प्राइसेस मुझे थोड़ी सी हाई लगी थी प्लांट्स की। लाजपत में आप बात करेंगे तो फिर वो थोड़ा बहुत तो कर ही देते हैं। आई गेस आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग एक्सेप्ट टू थिंग्स जो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ली है, एंड मेरी मम्मी को अब तक तो वो मिली गई होगी चीज, बिकॉज मैं घर पे आ चुकी हूँ। सो ये है पहली चीज जो मैंने मम्मी के लिए परचेज करी है, दिस इज अ ब्लू साड़ी, बिकॉज मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है ब्लू। ब्लू पर्टिकुलरली ये वाला ब्लू जो मैं लेकर आई हूँ, ब्लू में भी ये वाला ब्लू जो फिरोजी वाला ब्लू आता है ना, ये मेरी मम्मी का फेवरेट कलर है। और उनके पास मुझे जहां तक याद है ब्लू साड़ी फिरोजी में बहुत पहले थी, और वो बहुत टाइम से मम्मी को मैं वही देख रही हूँ। तो शिवांगी मैम ले रही हूँ, मुझे एकदम से ये ब्लू साड़ी देख गई, मैंने कहा ये तो मैं ले रही हूँ, आपको जो देख रहा हूँ आप देख लो, ये वाली साड़ी मैं ले रही हूँ मम्मी के लिए। तो दिवाली पे तो नहीं पहनेंगी मम्मी, बट हाँ कभी और पहन लेंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। खैर वो पहनेंगी, मेरी साड़ी हुई, मेरी दी गई साड़ी मम्मी पहनती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये साड़ी मम्मी की हो गई है, और ये लाजपत से हम लोग शॉप से लेके आए थे, आई गेस यही वाली शॉप है क्या वो, इट्स राजप्रिया साड़ी, या तो यहाँ से लेकर आए थे ये। एंड ये आपको लाजपत में फर्स्ट वाली जो रो है ना, वहीं पे मिल जाएगी, जो सेंट्रल मार्केट की फर्स्ट रो है उसी में ये मिल जाएगी, आपको ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा। एंड ये हम लोग शॉप से इसलिए लेकर आए थे क्योंकि बाहर जो साड़ी थी ना वो बहुत ही कॉमन लग रही, और हमें कॉमन साड़ी चाहिए नहीं थी। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई था, बट या ऑफकोर्स आप चेक कर सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छा कलेक्शन था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने पिताजी के लिए लिया है इज ऑफकोर्स कुर्ता। तो जैसे ही आप मेट्रो के गेट नंबर 5 से सेंट्रल मार्केट की तरफ जाएंगे ना, आपको रास्ते में ही बहुत सारी शॉप मिल जाए। एंड एक हमें मिली थी जहाँ पे कुर्ते मिल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे, तो मैंने कहा कि हम कुर्ता देख लेते हैं, बिकॉज शिवांगी मैम को भी लेना था, मुझे भी लेना था। तो मेरे पिताजी पहनते हैं लाइट कलर, क्योंकि उन्हें डार्क कलर के कुर्ते पसंद नहीं है, लाइक उन्हें डार्क कलर ही पसंद नहीं है, वो हमेशा लाइट ही कैरी करते हैं। तो मुझे व्हाइट मिला था, येलो मिला था, और एक पीच मिला था, बट येलो पापा के पास ऑलरेडी, व्हाइट पे व्हाइट पापा को समझ में नहीं आता कि ये कहां ही का फैशन है, तो इसलिए मैंने व्हाइट नहीं लिया। और मैंने फिर मम्मी को पूछा तो मम्मी कहती है ठीक है मत लाओ, क्यों ला रही हो, बट मैंने कहा कि ठीक है। तो मुझे एक पीच कलर का कुर्ता मिल गया था, प्लेन है, बट हाँ मैं कहूंगी कि मेरे पिताजी को प्लेन ही पसंद है, ज्यादा चमक धमक वाली चीजें पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे ये प्लेन कुर्ता बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने शिवम के लिए भी सोचा था लेने के लिए, बट शिवम को प्लेन पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। फिर शिवम को मैंने बताया कि मैं कुर्ता लेके आई हूँ, तो फिर वो बोला मेरे लिए क्यों नहीं लिया, मैंने कहा तुम पहनते ही नहीं हो प्लेन, बोलता नहीं तुम लेके आती तो मैं पहन लेता, मैंने कहा। एंड ये कुर्ता का कपड़ा जो है वो है कॉटन। अगर आप पैंट के साथ लेते हैं तो पैंट भी वहां पे मिल रहा था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ कुर्ता लिया, तो ये मुझे मिला था 500 रुपीज का, विच इज अगेन वेरी अफोर्डेबल, मैं कंसीडर करूंगी। बिकॉज सेम कुर्ता जब मैं लाजपत के अंदर जब हम लोग चले गए थे ना, सेम कुर्ता यही 800 का मिल रहा था, जो बाहर हमें 500 का मिल रहा था, और फैब्रिक सेम था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय माय टुडेस वीडियो, एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं ये सीरीज, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये जानकर। एंड आपको आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती जाएंगी, सो प्लीज ये पूरी सीरीज आप चेक करना मेरे चैनल पर जो चल रही है। एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय।